डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवा लाइएगा तभी न, दुकान एक भी खुली नहीं है, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिहार में राज्य भर की दवा दुकानें बुधवार से 3 दिनों के लिए बंद रहेंगी। मंगलवार को बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच वार्ता नहीं होने पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से वार्ता के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मांग नहीं है जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा सके। उन्होंने इस बंद को अस्पतालों की दवा दुकानों और इमरजेंसी दवाओं की आपूर्ति को मुक्त रखने को कहा है। संघ ने विभाग को चेतावनी दी है कि अगर दवा दुकानदारों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई या अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। संघ की प्रमुख मांगों में फार्मासिस्ट की समस्या के समाधान होने तक पूर्व की व्यवस्था लागू रहने देने, दवा दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगाने, दवा दुकानदारों की निरीक्षण में एक रूपता और पारदर्शिता रहने, विभागीय निरीक्षण के दौरान उत्पीड़न पर रोक आदि शामिल हैं। आम लोग हैं जो दवाई लेने के लिए भटक रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही, ये बताइए कि आप दवाई लेने के लिए आए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? दवाई मिल नहीं रहा सर, मेरा पेशेंट बहुत परेशान में, हो सकती है कि उसकी मौत भी हो सकती है दवा के चलते। तमाम दुकानें बंद है? तमाम दुकान बंद है। क्या बताया जा रहा है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवा लाइएगा तभी न, दुकान एक भी खुली नहीं है, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। समस्या फार्मासिस्ट की है। सरकार ने अभी 35A के अंतर्गत फॉर्मेट 35 के अंतर्गत अभी इसको निर्गत किया है, जिसके कारण फार्मासिस्ट की अनिवार्यता कर दी गई हर दवाई दुकान में। बिहार में 42,000 दवाई की दुकानें हैं और सिर्फ मात्र 18,000 फार्मासिस्ट हैं। इसकी वजह से ये आपके हमको कठिनाई हो रही है कि बिहार की 38,000 दुकानें करीब अविलंब बंद होने जा रही है, और इसके लिए बेरोजगारी का एक मसला है। हमारी दुकान है, हमारी दुकान में 8 आदमी काम करते हैं, मैं तो बेरोजगार हो ही जाऊंगा, मेरे साथ 8 मेरे जो काम करने वाले सहयोगी हैं वो भी बेरोजगार होंगे, इसी तरह सभी दुकानों की समस्या है। तो हम लोग का मांग ये है कि फार्मासिस्ट की जो आवश्यकता का कंपल्शन कर दिया गया है उसको दूर कर दिया जाए और इसको हटाया जाए, क्योंकि अब प्रेडिशन मेडिसिन आती है, दवाई जो है पेटेंट होती है, पढ़ के सिर्फ देना होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, इसलिए पढ़े लिखे लड़कों का काम होता है ना कि फार्मासिस्ट का। इसलिए हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि ये फार्मासिस्ट की समस्या का मामला है, इसको अनिवार्यता जो कर दी गई है उसको दूर कर दी जाए, और दुकान जो हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं वो हम लोग भी चलती रहे, हम लोग रोज़गार मिलता रहे, मेरे जो सहयोगी लड़के हैं उनको भी रोज़गार मिलता रहे, और जो हम लोग के साथ बेरोजगारी की समस्या आएगी वो दूर हो जाएगी। यही हम लोग की मांग है सरकार से। अभी हम लोग का ये 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल है, 22, 23, 24, अगर सरकार इस बारे में अगर हमारा कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम मजबूर होकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार की तरफ से अब तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? इससे पहले भी हम लोग ने हड़ताल कर सरकार के सामने अपना रखा था मांग, सरकार ने कहा था कि मैं इस समस्या पर आपका विचार करके आपकी समस्याओं को दूर कर दूंगा, लेकिन सरकार ने कोई समस्या हमारी दूर नहीं की। जिस तरह से हम लोग प्रसारित किए जा रहे हैं पदाधिकारी द्वारा अपने विभागीय के, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, और सरकार द्वारा जो हम लोग से वादा किया गया था वो वादा पूरा हम लोग का नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम लोग पुनः हड़ताल पर मजबूर हुए हैं। क्या समस्या है सरकार के साथ? सरकार का हम लोग तो अपना लड़ाई एक बार हड़ताल कर चुके हैं, फार्मासिस्ट उस जमाने में जिस जमाने में दवाई पैक ग्राम में आता था या उसका मिक्सर आता था बना के लोग बेचा करते थे हॉस्पिटल वगैरह में, उस वक्त तो फार्मासिस्ट अनिवार्य था, आज के डेट में तो फार्मासिस्ट अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य ही है तो दवा दुकान जब लाइसेंस अप्लाई होता है उस वक्त फार्मासिस्ट आप अनिवार्य क्यों नहीं कर देते हैं, लाइसेंस क्यों दे देते हैं? अभी आप फार्मासिस्ट खोजते हैं, आप जानते हैं बिहार में 18,000 फार्मासिस्ट है, 42,000 दवा दुकानदार को कैसे लाइसेंस दे दिया? ये आपका जिम्मेदारी है ना, ये आपका पदाधिकारी का जिम्मेदारी है ना, आपके पास जितना रहेगा उतना ही ना इस्तेमाल कीजिएगा, आप क्षमता तबेदी कर दिया है तो वो आप अभी कर रहे हैं, वो आपका टाइम था, आपके पास अधिकारी का टाइम था, वो आपको करना चाहिए ना। आप इतना काम करा के अब इतने लोगों को बेरोजगार करा दीजिएगा, ऐसे तो रोजगारी बढ़ा हुआ ही है और कितना बेरोजगारी बढ़ाइएगा, और क्या चाहते हैं इसके बाद? और भी है कुछ? अब तो दो एक टाइम भी मुश्किल है खाना, 3 टाइम के बाद तो छोड़िए, 1 टाइम भी मुश्किल है। आम लोगों की बात बोलते हैं, 1 नंबर में
जमा दीजिए जहर खिला के।